हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुछ रोज पूर्व पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर रोहतक के भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस मामले में कांग्रेस पार्टी और पंजाब की कांग्रेस सरकार जिम्मेदारी से बचकर भाग रही है, उससे स्पष्ट हो चला है कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस अनपढ़ जैसी बात कर रही है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा यहां झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घटना के दो तीन दिन बाद ही वहां पंजाब में घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक नाव संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। नाव को संदिग्ध परिस्थितियों में मिलना इस ओर इशारा करता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जा रहा है, जो कि सफल नहीं हो पाया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में मेयर और उप महापौर समेत अन्य पदों पर भाजपा समर्पित पार्षदों के चयन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव में संख्या बल भाजपा के साथ था, इसलिए ही वहां पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत हुई। झज्जर से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। देखिए, इसमें चुनाव का उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो सुन लो, प्रधानमंत्री का कद बहुत ऊंचा है, स्टेटस बहुत ऊंचा है, और भारत का प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं वो अनाप शनाप बातें कर रही है। उनकी बातें अगर आप सुनोगे तो ऐसी बातें कर रही है कि जैसे अनपढ़ लोग बात करते हैं, ऐसे सरकार ऐसी बात कर रही है। आप देखें एसपी जी कह रही हो, एसपी जी का प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जुम्मा एसपी जी का है, लेकिन एसपी जी जैसे ही प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने रेजिडेंस से बाहर निकलते हैं, अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, जहां भी जिस स्टेट में जाएंगे उस स्टेट सरकार का और उस स्टेट की पुलिस का जुम्मा हो जाता है। आप आए पंजाब में तो पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस का प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का पूरा पूरा जुम्मा उनका था। एसपी जी ने डीजीपी से बात की, एसपी जी ने और सीनियर ऑफिसरों से बात की कि भी इस तरह से इमरजेंसी है, इमरजेंसी में कि हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है मौसम की वजह से, तो क्या करना, रोड से हम जा सकते हैं। तो क्लियरेंस जब मिला, अगर पुलिस क्लियरेंस नहीं देती तो काफिला नहीं जाता, प्रधानमंत्री मुंह नहीं करते। अगर पुलिस कहते हैं नहीं जी एजिटेशन है वहां पर, फलाना है, ये है, उसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री जाते तो बात दूसरी। बिल्कुल भी उन्होंने साफ सुथरे तरीके से क्लियरेंस दी कि आप मूव कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो। उसके बावजूद जो है आप देखो रास्ते में प्रदर्शनकारी बैठे थे, वो पहले से बैठे हुए थे। और इसमें बहुत गहराई की बात है, ये सिर्फ इतनी बात नजदीक नहीं रहती। अब आप देखें कल शाम को एक नाव मिली है, जो है एक नाव पकड़ी गई है, उसका क्या संदेह, कुछ को पता नहीं लग रहा। जो लावारिस नाव मिली है पाकिस्तान वहां से कितना दूर है, पाकिस्तान जन के जहां प्रधानमंत्री जी को रोका गया था उससे 30-40-50। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।